दादा वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे, सब खुश रहो, तुम दोस्त रहो, हैप्पी रहो एंड हल्ला हैप्पी रहो। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 9:38 और अभी हम उठे हैं, आपको मेरे आवाज़ से पता चलता होगा। ठीक है, उठ के मस्त हो चुकी हूँ मैं, फ्रेश होकर देख गाइस मेरी दीदी नहा चुकी है, ये देख टावल से मुँह छुपा है। दीदी गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी हम मतलब बोले तो थोड़ा सा चाय पी के जा रहे हैं मैं और दीदी, थोड़ा सा मार्केट मेडिसिन शॉप बोले तो, क्योंकि नानी आ रही है और नानी जी को कुछ मेडिसिन लेकर खरीद के देने, और नीचे अंकल का वो हुआ था उसके लिए अफसोस करने आ रही है नानी। तो आपको मिलते हैं सीधा गाइस बाहर। ओके, और आज है संडे, तो संडे इज़ द फन डे। तो गाइस मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन तो दे दूँ, गाइस भैया भी आ चुके हैं। भैया गाइस कल रात को आए थे, रात को 1:30 बजे ब्लॉग एंड करने के बाद। ओके, तो देखते आज भैया को बटरिंग करेंगे, कहीं घूमने लेके जाने के लिए। मुझे लगता तो है नहीं कि कहीं वो लेके जाएंगे, बट हम पूरा हल्ला बोलेंगे, घूमने लेके चलो हमें। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल चलो नानी का काम करके आते हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं और आपको नज़ारा देख लो आप लोग पूरा हमारे यहाँ का। आज तो गाइस वेदर बहुत ही अच्छा हो रखा है, हल्की हल्की ठंड और हल्की हल्की धूप और बहुत मस्त मज़ा आ रहा है। ये मेरी दीदी। ओके दीदी, तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मेडिसिन शॉप, कर तो ऐसा रहा जैसे कहीं बहुत प्लेस पे घूमने जा रहे हैं। मेडिसिन शॉप जा रहे गाइस, नानी आती होगी रास्ते में, सो नानी को मेडिसिन लेके दे के वापस आएंगे घर। घर आके फिर देखते हैं भैया को बटरिंग वगैरह कर। तो गाइस मैं आपको एरिया शो कर रही हूँ, देख लो। तो अभी तो जाते हैं फटाफट ये इधर का निपटा के घर, और घर जाके भैया को हल्ला बोलते हैं कि आज हमें घूमने लेके चलो ही चलो कहीं, बिकॉज भैया ने 2 दिन से हमारे साथ लॉल किया। ठीक है, आज इसके पार्टी में जाना, आज उसके पार्टी में जाना, और लेके गए नहीं है, दोनों पार्टी खुद अकेले अटेंड करी। ओके अच्छा। दीदी क्या बोलती हो? सब मस्त, मेडिसिन वगैरह हमने ले लिया है और अभी हम बाहर आ चुके हैं, नानी आ रही है रास्ते में है। एरिया शो कर रही हूँ, पता नहीं इधर से आएंगी कि इधर से आएंगी। माधव ने मेरे को कब दीदी मेरी। तो गाइस आपको मिलते हैं सीधा घर पे, नहाने का काम सारा करके वो आ जाए, उनको हाथ में मेडिसिन हैंडओवर कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। मैं सभी आ चुके हैं घर, घर आते गाइस मस्त पी रही हूँ मैं चाय, और गाइस भैया हो चुके हैं रेडी, दीदी और भैया गाइस जा रहे हैं थोड़ा एक इम्पोर्टेंट काम से, अभी आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे वापस। ठीक है, और जा रही बात घूमने जाने की, तो घूमने जाने वाला प्लान है अवनी, शाम को अवनी जा रहे हैं। ओके ओके तेज किया यार। तो गाइस ये देखो भैया, हेलो क्या हाल चाल है सब गाइस, कैसे हो? तो गाइस रात को भैया आए थे जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लॉग एंड करने के बाद, सो अभी जा रहे हैं, वो आ जाएंगे अभी कुछ ही टाइम में, तो दोपहर तक हम घर पे ही हैं। तो दीदी भैया गाइस चले गए थे काफ़ी टाइम पहले, उनके जाते गाइस मन लग गए थे अपने घर के सारे काम खत्म करने, काम वैसे ही था जो हमेशा होता है रोज़ घर की साफ़ सफाई वगैरह, बेड वगैरह क्लीन अप करना, सब मैंने क्लीन कर दिया है। इधर देखो गाइस लीजा ने एक कांड और कर दिया, पिंजरे के ऊपर चढ़ गई गाइस, लीजा ने इस पिंजरे को तोड़ दिया। ठीक है, और ये मिर्ची अपना पूरा दिन बैठ जाती है, और इधर मैं आपको दिखा देती हूँ देखो, पूरा अच्छे तरीके से घर के साफ सफाई से लेकर सब कुछ हो गया, आने में ही दीदी और भैया लोग, और तो किचन का भी हो गया है। सो ये देखो अपने खाने के लिए तो पहले मैगी बनाई है मैंने, तो गाइस भैया ने बोला कि शाम को तो जाना ही है, तो अभी आएंगे, आते से अभी टाइम हो जाएगा गाइस उसे क्रिकेट जाने का। तो ये देखो जो बन रहा है रात को खाने के लिए चिकन, जो चिकन मैंने धो के मैरिनेट करके रख दिया है, और अभी मैं चाय वगैरह बनाई थी नानी उन लोगों से आए थे। तो जो भी है मैं समझ लूँ टोटली हो चुकी हूँ, अपनी दीदी भैया लोग आ जाए फिर देखते हैं हल्का फुल्का कुछ खा के, इतने टाइम हो जाएगा उसकी क्रिकेट क्लास का, वैसे भी टाइम हो चुका है 3:30 और 4 बजे से उसका क्लास होता है, तो आने ही वाले हैं, आ जाए फिर मैं आपको मिलती हूँ। और भी गया हुआ है इस नीचे आंटी के पास, आंटी ने बुलाया था उसको,
ओके तो आपको मिलते हैं दिल भी लगा दें सीधा पार्क में। A few moments later. तो गाइस आ गए हम हमेशा की तरह पार्क में। आज स्विमिंग की प्रैक्टिस चल रही है सो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस यहाँ पे और भी वो रहा स्विमिंग और गाइस और भी काफ़ी जन यार यहाँ पे आज तो देखो किस आज टूर्नामेंट का भी क्रिकेट चल रहा है। टूर्नामेंट लगाते हैं ना यहाँ पे खेलते हैं तो उसका भी है। ठीक है दीदी को मेरे को ढूंढना पड़ेगा। दीदी कहाँ गई? वो उस साइड बैठी है। चलो गाइस दीदी के पास चलते हैं। सही गाइस देखो दीदी यहाँ बैठी हुई है और मैं ढूंढ रही थी उस साइड। ठीक है देखो यहाँ पे गेम सॉरी गेम बोल रहे क्रिकेट चल रहा है। हेलो मैंने फ़ोन किया था फ़ोन करते हैं चिके। ठीक है देखो वैसे भी मस्त बैठे हुए हैं और क्या क्रिकेट वगैरह टूर्नामेंट्स वगैरह देख रहे हैं और क्या। और गैस जाने का प्लान तो है। ओके यहाँ से जाके निकलेंगे आई डोंट नो जाएंगे तो मुझे नहीं पता। गैस दीदी मेरी बिजनेस का देख रही है। ओके तो यहाँ से जाके आपको मिलते हैं गैस ओके घर पे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके मेरे ब्लॉग्स वीडियोस को देखो शॉर्ट्स को देखो। देख के मुझे बताओ कि मुझे और कैसे अपडेट्स लाने चाहिए। सो कीप सपोर्टिंग गाइस। तो मिलते हैं घर पे। तो बस तभी आ चुके हैं घर वापस। ये रहा अर्शवीर। अर्शवीर गाइस आते थे फ़ोन लेके बैठा फ़ोन चला रहा है। और गाइस ये देखो मेरी दीदी गाइस आते थे मेरी दीदी लग गई है दीदी देखो इधर दाल वगैरह बना रही है। पता है क्यों? क्योंकि गाइस आज हमारे घर में आई हैं बड़ी दादी। जब हम आए तब हमें पता चला कि गाइस बड़ी दादी आई हैं। हमें अतः पता था नहीं सुबह से कि वो आएंगी बट वो आई है। चलो हम आपको मिलवाते हैं। हेलो जी मैं सत श्रीकाल। हाय हेलो बोलो। सी गाइस देखो लीजू को अपनी मनमानी कर रही है। आ लीजू आ देखो चिज्जी चिज्जी गाइस ये हमारी चाय और ये सारे जने बैठे हैं दोनों दादियाँ लीजू लीजा अर्शवीर। और इधर गाइस देखो मेरे भैया सोए हैं। ओके एकदम गहरी नींद में। और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ गाइस देख लो। आपको लगता है ये टाइम हो चुका है और अभी कहीं घूमने अगर जाएंगे भी तो कब आएंगे वापस और कब जाएंगे बताओ। तो आई डोंट नो आगे क्या प्लानिंग है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी प्लानिंग होने वाला है या फिर हम कहीं घूमने जाने वाले हैं। तो इससे अच्छा है तो मस्त अपना चाय पानी वगैरह पीते हैं। रात को खाना बन चुका है रात का और बड़ी दादी उन लोगों के लिए दीदी बना रही है दाल और मैंने तो चिकन वगैरह बना लिया था। सो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी दीदी लगी है दाल बनाने। मैंने आपको बताया दादी उन लोगों की बड़ी दादी उन लोगों के लिए। और ये देखो इधर गाइस चिकन। ये चिकन हम मैंने बनाया है गाइस आज कि दुनिया भर का तेल है इसमें अनहेल्दी। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। गाइस देखो जब मेरे को जैसा आता बनाने मैंने वैसा ही बनाया। बनाने को बोला का तुम देखी गिला तेल दी। गाइस मैंने कोशिश किया यार मैं एक कोशिश तो अच्छी एक कॉली पर के तेल दी निकलूंगी। ऐसी कोई गलती यार वीडियो बनाइए। One eternity later. तो गाइस फाइनली अभी हम निकल चुके हैं घूमने के लिए। ठीक है घूमने के लिए गाइस कुछ भी नहीं है नॉर्मल। पहले से कोई प्लानिंग था नहीं तो भैया ने बोला सुबह से बोल रखा है तो चलो थोड़ा सा घुमा ही लाता हूँ। तो गाइस अक्सर इस एरिया में मतलब हमेशा आते हैं हम। ठीक है तो आपको दिखाती हूँ एरिया। पहले तो दीदी से मिलो। हेलो दीदी दीदी हेलो गाइस गाइस मेरी दीदी हमेशा आती है सामने के मतलब हेलो हाई करके चली जाती है। तो गाइस मैं आपको एरिया शो करती हूँ। सही गाइस आपको एरिया शो कर रही हूँ। अक्सर गाइस आपने पहले वाले वीडियो में ये एरिया देखा होगा। ओके भैया अर्शवीर तो गए हुए गाइस अपने खाने का सिस्टम देखने क्या खाना उन्होंने देखते हैं। ठीक है और ये हमारी गाड़ी है जो खड़ी है पास में एक और गाड़ी है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। दीदी मेरी अंदर ही बैठी है मैं भी जा रही हूँ अंदर। गाइस अभी उस एरिया से किसी दूसरे एरिया में आए हैं। ठीक है वहाँ पे जो खाने के लिए लिया तो वहाँ पे भीड़ था इस वजह से हमने कुछ लिया नहीं फिर इसलिए दूसरे एरिया में। तो गाइस इस बिल्डिंग की लाइटिंग देख लो बस कितनी मस्त लग रही है ना। गाइस ज़्यादा दूर नहीं है हम घर से। ठीक है यहाँ से हमारे घर पास में ही है। अरे भैया मैं और मेरे भैया जा रहे हैं गाइस सैंडविच लेने। तो गाइस भैया लेने गए अपने लिए चिल्ला। क्या बोला तूने? आई डोंट नो क्या होता है ये उनको बहुत पसंद है इसी एरिया में मिलती है इसलिए भैया ने वो खाना है। अच्छा और ये हमारा यहाँ सैंडविच रेडी हो रहा है।
गाइस सैंडविच वाले पे भी भीड़ देख लो बिकॉज यहाँ पे संडे है, इस वजह से इतना क्राउड है। ओके घर पे और खाना वाना तो मैंने आपको बता ही दिया था बना हुआ है। तो अभी तो गाइस जो मतलब बाहर से हम इतना खा के आए ना, अभी जो भी सैंडविच वगैरह अभी होता है तो अभी तो कुछ खाने का मन है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं ड्रेस वगैरह चेंज किया है मैंने, आके गाइस करना है रेस्ट, अगर भूख लगा तो खाएंगे वरना नहीं तो आज का जो बना हुआ खाना है ना वो तो कल काम आ जाएगा। तो गाइस इस दौरान फिर तो मैं कर रही वहीं पे एंड, अश्विनी कर रहा थोड़ा सा अपना पढ़ाई बिकॉज अश्विनी का सुबह स्कूल है। आई थिंक मेरे हिसाब से मेरा टाइम तो सोना चाहिए बिकॉज टाइम हो रहा है 10:30। सो इस दौरान गाइस ब्लॉग को मैं ही पेंट कर रही हूँ।